छतरपुर की ईशानगर थाना पुलिस ने चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। छतरपुर पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ईशानगर थाना क्षेत्र में 4 नवंबर को हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की भाई की रिपोर्ट पर ईशानगर थाना पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अब पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे एक 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी। अभी लगभग 3 दिन पहले 4 तारीख को 4/11/23 को थाने के सामने एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति मोहित रखवार की मृत्यु हो गई थी। उसी घटना का नामजद आरोपी मुकेश पाल घटना दिनांक से फरार था, जिसको 72 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ा वो हथियार बरामद हो गया? आरोपी घटना कारित करके दिनांक 4/11/23 से ही फरार था, जिसको मुखबिर की सूचना मिली थी। आरोपी ट्रेन के द्वारा कहीं भागने की फिराक में है, तो रामपुर स्टेशन के आसपास छुपा होने की सूचना मिली थी। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी की गई और रामपुर स्टेशन के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार के बाद जो घटना में प्रयुक्त जो कट्टा था वो बरामद किया गया आरोपी से। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार के दीवाने तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक बीज सागर रोड छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।